कौन है अंदर, कौन है? नहीं अंदर जो आप खुद संभाल कर रहा और तो सब विधायक साहब हो गए। तो ये बहुत बड़ी हर्षजनक घटना है क्योंकि हमारे परिवार के हमारे गांव के कैदमा से हैं जो डीबीएल कंपनी में काम करते थे और उनकी जो कंपनी की इतनी बड़ी लापरवाही चूक है जो उनके पास सुरक्षा व्यवस्था के नाम से कोई भी नहीं है समझिए। और वो जो ट्रक का जो ट्रक से जो दबा गया है उसमें लगता है कि जानबूझ के कंपनी ने उनका हत्या कराया गया। तो मेरे तो मांग है कि पहले कंपनी के ऊपर हत्या की जुर्म हो, कंपनी के मालिक के ऊपर हो, उसके यहाँ पे इंचार्ज उसके ऊपर हो। क्योंकि गाड़ी अंदर प्रवेश होती है पहले गेट में एंट्री होती है, कहाँ डंप करना है उसको बताया जाता है, वहीं गाड़ी डंप करती है। ऐसा नहीं कि जहाँ भी पाया डंप कर दे। और जो घर नींद में सोए हुए थे बेचारे लोग उनके ऊपर ये माना जाता है कि जानबूझकर गाड़ी कंपनी के खिलाफ तो चाहता हूँ कि अधिक से अधिक इनको जो अतिराधन का धारा लगता है वो धारा लगा जाए। इनको कि अभी 25,000 तत्कालीन सहायता दिया है इन लोग कंपनी ने और 5,00,000 देने की बात बताया जा रहा है। तो हम 5,00,000 में हमने कहा कि 5,00,000 से उससे घर की परिवार की पालन पोषण नहीं होगी क्योंकि जीवन उनकी चले गई, उनके पीछे में छोटे छोटे भाई हैं, बुजुर्ग माता हैं, वो पूरे उनके ऊपर जीवन भर का निर्भर रहे। इसलिए हम 10,00,000 रुपये की उस कंपनी को हमने दम दिए कि 10,00,000 उनको माफी दिया जाए। साथ में उस परिवार के आश्रित को नौकरी दिया जाए। सर देखा गया है जितने भी गाड़ियां ट्रक हो या टेलर वो चल रहे हैं चाहे कोयला खनान में हो चाहे इसमें, उनमें हेल्पर नहीं रहता है, ये भी एक कारण हो सकता है क्या? बिल्कुल कारण हो सकता है। अब उसके लिए हम कार्रवाई के लिए आज SP साहब से हमें बात करूंगा कि बिना अगर गाड़ी में हेल्पर के बिना गाड़ी चल रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, तत्काल कार्रवाई करें और गाड़ी खड़ा करा दें, कोशिश नहीं पाया जाता है क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, ड्राइवर का नज़र सिर्फ सामने रहता है और एक हेल्पर का नज़र जो है बायां रहता है, लेकिन वो हेल्पर ही नहीं है तो क्या देखेगा वो? कुल मिला के समझिए कि कंपनी जो भी है अपने एक रोज़गार देने से भी बच रहा है और एक रोज़गार को छीना जा रहा है, पैसा बचा रहा है। तो दुर्घटना आए दिन रोज हो रही घटना, इससे जान माल की हानि होती है और क्षेत्र में अब इतनी गाड़ियाँ हो गई है बोल मैनेज के नाम से या कंपनी गई, नई नई कंपनी आ गई है, इस कंपनी में सारे आज के बाद चालू करते हैं, हमें निश्चित रूप से उसकी जाँच करें और गाड़ी खड़ा करें। हमने ये नाराजगी की बात अपन बोलते हैं कि पुलिस विभाग जो भी जांच करती है उसमें ईमानदारी से जाँच करें, कोई इसमें लिपापोती नहीं होना चाहिए। जो घटना घटना है उससे आदमी की जान चली गई है उसमें हमने कंपनी का बचाने के ऊपर नज़र न रखें बल्कि जो सच्चाई है उसको पुलिस वाला कार्रवाई करे। सर ये हम चेतावनी